हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर अभी तक काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के बारे में जाना है। पैरानॉर्मल एंटिटीज़ यानी भूत प्रेत आत्माएं, जिनका खौफ हर शहर, गांव और कस्बों में मौजूद है। कुछ लोग इन्हें केवल सुनी सुनाई बातें मानते हैं तो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उनका इन प्रेत आत्माओं से सामना हुआ है और उन्हें उनके अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं होता। इंटरनेट पर मौजूद इसी तरह की ज्यादातर वीडियोस और स्टोरी का ताल्लुक आपको जापान या फिर चाइना से मिलेगा, लेकिन आज के एपिसोड में हम आपको मेक्सिको के एक बेहद डरावनी आत्मा के बारे में बताने वाले हैं, जिसने एक समय पर मेक्सिको के कई भागों में जबरदस्त दहशत मचा रखी थी। साथ ही हम जानेंगे इनसे जुड़े एक हॉन्टेड गेम के बारे में, जिसे शुरू करना तो आपके हाथ में है लेकिन उसे खत्म करने का फैसला ये आत्मा करती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस खौफनाक आत्मा के बारे में। सैरा सरीटा मेक्सिको में रहने वाली दो जुड़वा बहनें थी। जन्म से ही साथ रहने के कारण दोनों बहनों में बेहद जुड़ाव था। जब ये दोनों स्कूल में थी तो इन्होंने स्कूल में होने वाली एक डांस परफॉर्मेंस में भाग लेने का फैसला किया। सैरा और सरीटा दोनों ही रोज बड़ी गर्मजोशी से अपनी डांस प्रैक्टिस में हिस्सा लिया करती थी। एक रोज दोनों बहनों को स्कूल के बाद डांस प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल में ही रोकने को कहा गया, लेकिन स्कूल खत्म होने के काफी देर बाद उन्हें यह पता लगा कि आज की डांस प्रैक्टिस कैंसिल कर दी गई है। सैरा घर जाने से पहले बाथरूम चली गई, लेकिन वहां मौजूद सफाई कर्मचारी ने सैरा को बाथरूम में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। सैरा ने खुद को बचाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सफाई कर्मचारी ने लोहे की रॉड से सैरा पर जोरदार वार किया, जिससे सैरा की मौत हो गई। तभी बाथरूम से काफी देर बाद भी वापस ना लौटने पर सरीटा अपनी बहन को ढूंढती हुई बाथरूम में आई और वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। सरीटा ने उसी रॉड से सफाई कर्मचारी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उस सफाई कर्मचारी ने पास ही में रखे पानी के ड्रम में सरीटा का मुंह डाल दिया, जिससे दम घुटने के कारण सरीटा की भी मौत हो गई। इसके बाद उस सफाई कर्मचारी ने सरीटा को वहीं बाथरूम में लटका दिया ताकि देखने वालों को लगे कि सरीटा ने खुद को ही फांसी लगा ली है, और हुआ भी ठीक वैसा ही। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में कहा कि यह पूरा मामला मर्डर और सुसाइड का था। सैरा और सरीटा के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से आक्रोश में आकर सरीटा ने पहले सारा को मार डाला, लेकिन बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस को मौका वारदात पर सिक्कों से बने दो लॉकेट भी मिले, जिन्हें चेन में डालकर सैरा और सरीटा पहना करती थी। जब ये दोनों सिक्के मिले थे तो एक सिक्का हेड्स की तरफ था और दूसरा टेल्स की ओर। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद सैरा और सरीटा की आत्मा उनके दोस्तों को दिखाई देने लगी, और फिर उन्होंने उनसे बात करने का तरीका अपने दोस्तों को भी बताया। इन कॉइन्स को वो दोनों बहनें हमेशा पहना करती थी, और इसी की मदद से पहली बार सैरा और सरीटा की आत्माओं से बात की गई, और तब उनकी मौत का असली राज खुल पाया। तभी से मेक्सिको में ये बात फैलने लगी कि दो सिक्कों की मदद से एक गेम को खेला जाता है, जिसमें आत्माओं से बात की जा सकती है, और धीरे धीरे ये पैरानॉर्मल गेम मेक्सिको से होते हुए पूरी दुनिया में फेमस हो गई। इस गेम को खेलने का तरीका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इस गेम को खेलने के लिए आपको दो एक ही वैल्यू के सिक्कों की जरूरत होगी। फिर दोनों लोगों को आमने सामने बैठना होगा, फिर उन्हें सैरा और सरीटा से गेम को शुरू करने की परमिशन मांगते हुए अपने कंधे पर अपना सिक्का रख कर हल्के से उसे नीचे गिराना होगा। दोनों सिक्कों पर हेड्स का मतलब है कि आपको गेम को शुरू करने की परमिशन मिल चुकी है, और अब आप सैरा और सरीटा की आत्मा से अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हो। लेकिन दोनों पर यदि टेल्स आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको इस गेम को खेलने की इजाज़त नहीं है। आप एक बार फिर से परमिशन पाने के लिए सिक्का उछाल सकते हैं, लेकिन यदि फिर से टेल्स आता है तो आपको तुरंत इस खेल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि परमिशन ना मिलने का मतलब है कि आप इस गेम के लिए सही इंसान नहीं हैं। दोनों सिक्कों पर हेड्स आने के बाद आप सैरा और सरीटा से कोई भी सवाल यस या नो की सूरत में पूछ सकते हो। हर बार सवाल पूछने के बाद आपको ठीक पहले ही की तरह सिक्के को उछालना है। यदि दोनों सिक्कों में हेड्स आता है तो आपके पूछे गए सवाल का जवाब यस है, और यदि दोनों पर टेल्स आता है तो आपके सवाल का जवाब नो है।
यदि एक सिक्के पर हेड्स और दूसरे पर टेल्स आता है तो इसका मतलब होगा मेबी। इस तरह आप इस गेम को खेलते रह सकते हैं और सैरा और सरिता की आत्मा से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अब बारी है गेम को ख़त्म करने की, और यही इस गेम का सबसे खतरनाक भाग है, क्योंकि इस गेम को एक बार शुरू करने के बाद यदि नियमानुसार ख़त्म नहीं किया जाए तो गेम को खेलने वाले को इसका अंजाम किसी न किसी की जान गंवा कर या पूरी तरह से मानसिक रोगी बनकर चुकानी पड़ती है। अपने सभी सवाल पूछने के बाद आपको सैरा और सरिता से गेम को ख़त्म करने की परमिशन लेनी होती है, और इस बार भी नियम वही है। यदि हेड्स तो आप गेम से उठकर जा सकते हैं, और अगर दोनों सिक्कों पर टेल्स आया तो इसका मतलब है आपको गेम छोड़ने की परमिशन नहीं है। इस गेम को खेलने वालों का दावा है कि इसे एक बार शुरू करने के बाद जब गेम को ख़त्म करने की परमिशन मांगी जाती है तो बहुत कम ही लोगों को गेम से बाहर जाने की परमिशन मिल पाती है। वो लोग सिक्का उछालते रहते हैं, लेकिन बार बार हर बार सिक्के पर टेल्स या फिर हेड टेल्स ही आता है। ये सिलसिला कई घंटों या दिनों तक भी चल सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों आत्माएं चाहती हैं कि आप उनके साथ हमेशा ऐसे ही उलझे रहें। गेम को खेलने वालों का ये भी दावा है कि जब भी किसी ने बिना परमिशन के इस गेम को ख़त्म किया है तब उन्हें इसका भीषण परिणाम झेलना पड़ता है। कई केसेस में तो इसे खेलने वाले बच्चों को मेंटल असाइलम तक ले जाना पड़ा है। इसे खेलते वक्त आपको कुछ और सावधानियां भी बरतनी ज़रूरी हैं, जैसे कि आपको गेम की लोकेशन सिलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि वहाँ सिक्कों के खोने की संभावना ना हो। किसी भी सूरत में गेम के दौरान सिक्कों को खोना नहीं है, और यदि आप इतने खुशकिस्मत रहे कि आप गेम से बाहर आ गए तो भी किसी हालत में आपको उन सिक्कों को खर्च नहीं करना है। मिस्टीरियस वर्ल्ड अपने दर्शकों को हमेशा ही स्वस्थ और सुरक्षित देखना चाहता है, इसीलिए हम इस तरह के किसी भी गेम को खेलने की सलाह आपको नहीं देंगे। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का एक ही मात्र उद्देश्य आपको एंटरटेनमेंट के साथ जानकारी प्रदान करना है। यदि आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप उन्हें कमेंट्स के माध्यम से हम तक साझा कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।